विप, शब्द सार विप। विप को बाद की भाषा में विप्र भी बोला जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा विपरीत। विपरीत का मतलब है अपोजिट होना। और आपने एक शब्द सुना होगा पक्ष और विपक्ष। अगर आप पक्ष और विपक्ष को समझते हैं, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, पक्ष और विपक्ष। अगर इसको हम पाली भाषा में कहें या जो ओरिजिनल इसकी शब्दों की शब्दावली है, तो उसमें इसको बोलते हैं पक्ष और विपक्ष। यानी पक्ष को पक्ष बोलते हैं, क्योंकि छह वर्ण नहीं होता तो आधा के और ख्या को बोलते हैं पक्ष और विपक्ष। तो यानी पक्ष के जो विरोध में होता है उसको विपक्ष बोलते हैं, विपक्ष बोलते हैं। तो विपक्ष में बाद में अगर इसमें आधा खे और के निकाल दें तो ये बचता है खाली विप। यानी विप का मतलब होता है विरोध, विरोधी या विरोध करने वाला। इसलिए विप से ही बना है विपत्ति, यानी कि विरोधी आचरण आना या विरोधी स्वभाव आना, इसको विपत्ति बोलते हैं। इसके बहुत सारे शब्द हैं। विपत है, विपत का मतलब है अपने पद से अलग हट जाना, विरुद्ध जाना। विपन्न है, विपन्न का मतलब है जो संपन्नता से दूर है, झूठ है, मिथ्या, उसको विपन्न बोलते हैं। विपन्नशील, विप्रिय, विप्रियेस, विपरिवर्तित, विपरीत, विपल्लत, विप, तो विप का मतलब है उल्टा, उल्टा व्यक्तित्व या उल्टा व्यक्ति, उसको विप बोलते हैं या विप्र बोलते हैं पाली के अनुसार। धन्यवाद।